ఈ సంస్థాన్ని మనం మంచి వారికి రాజమాన్ గుజరాత్ రాజ్యానికి యశస్వి ముఖ్యమంత్రి అలాగే విజయభాయ్ రూపాణి రాజకీయ ట్రాన్స్పోర్ట్ మంత్రి అలాగే వల్లభాయ్ కాకరియా రాజ్య కే సంసదీయ సచివ్ గుజరాత్ కే ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ కే అధ్యక్ష అలాగే వాసన్ భాయ్ ఆల్ ఇండియా ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ కే అధ్యక్ష జీ और उपस्थित मंच पर सभी ट्रांसपोर्ट का एक विशेष महत्व है और हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्टेशन कैसे आगे बढ़े, उसका कैसे मॉडर्नाइजेशन हो, उसके लिए पार्लियामेंट में हमने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगले दिन में, अगले सेशन में हम उसको पास कराने की कोशिश करेंगे। उससे मोटर ट्रांसपोर्टेशन में, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा बदलाव, सेफ्टी पर्पज ऑफ व्यू से एक बड़ा बदलाव और उनके साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस को सेफ्टी के संदर्भ में, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के संदर्भ में एक एश्योरेंस मिले, उसके लिए हमने प्रावधान रखा है। और उसके साथ साथ आज देश में, यहाँ जीडीपी की बात हो रही थी, वर्ल्ड के साथ, विश्व के साथ हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज उसके साथ कैसे कदम मिला सके, उसके लिए भी हमें इनिशिएटिव लेना है। देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें जीडीपी का 10% खर्च और ट्रांसपोर्टेशन कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। हिंदुस्तान में वो 14 से 15% जीडीपी का कुल खर्च होता है। इसलिए समाज जीवन पर उसकी पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी रहती है, क्योंकि जो खर्च ज्यादा होगा, कार्गो लेके आ रहा है कोई ट्रक, उसके ऊपर ज्यादा खर्च होने से उसकी इफेक्ट उसके रेट पर भी आएगी, और रेट पर भी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी, उसको कैसे हम कम करें। वैसे ही जो रोड है, आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखे और डेवलप्ड कंट्री को देखे तो रोड का उपयोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। कार्गो बाय सी बाय रोड केवल 30-35% होता है हिंदुस्तान में, और 60% से आज रोड पर कार्गो हैंडलिंग का है। उसको कम करना है और ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ करना है, और उनके लिए हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का एक विषय रखा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कंसेप्ट सक्सेस होने से, उसमें से मैं तो अपेक्षा करता हूं कि आपके भी उसमें पार्टनरशिप बने, क्योंकि वो पीपीपी मोड से आएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने से आपका एक ट्रक, आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कोई जगह से छोटा छोटा माल लाना है, कम कार्गो लाना है, उसको बाय रेल से, बाय सी से आप उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे, कार्गो हैंडलिंग करना चाहेंगे, तो कम रेट में, कम समय में और समय सर आप कार्गो हैंडल कर सकते हैं। ये व्यवस्था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश में हमने 35 प्लेस आइडेंटिफाई किया है। गुजरात में भी हमने 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, उसमें सूरत, बड़ौदा, भरूच और गांधीधाम और अहमदाबाद 4-5 स्थान पर भविष्य में लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, उसका आपको एक बड़ा सहयोग मिलेगा। उसके साथ साथ मित्रों, कार्गो हैंडलिंग के लिए और एक ट्रक नहीं केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसका उपयोग हो, उससे देश में आम जनता के रोजगारी के लिए भी उसका एक महत्व है। इट्स वन टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, हम लॉजिस्टिक को एक इंडस्ट्रीज के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति एक ट्रक रखता है, 7.5 लोगों को पर डे रोजगारी मिलती है। एक ट्रक होता है, दो ड्राइवर होता है, दो क्लीनर होता है, कोई पंचर होता है तो पंचर करने वाला होता है, रिपेयरिंग करने वाला होता है, कुल मिला के 7.5% पर डे उससे रोजगारी जनरेट होती है। उसके साथ साथ मित्रों, सरकार ने तय किया है, जो नरेंद्र भाई ने एक विजन रखा है ना, विजन है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना है, 125 करोड़ की जनता की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। बातचीत से नहीं होगा, भाषण से नहीं होगा, उनके लिए
आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी 68 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। नरेंद्र भाई ने कहा कि रोड है तो गति है और गति है तो प्रगति है। देश को प्रगति के राह पर ले जाना है तो रोड नेटवर्क को सुदृढ़ करना होगा, और उनके लिए हमने तय किया है अगले 5 साल में हमें 1,00,000 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे का निर्माण करना है। 36,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हमने बना दिया है। 57,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे को हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है जो आपके उपयोग में आएगा। इतना ही नहीं, पहले 4 और 5 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनता था, 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन बनाने में हमें 10 करोड़ रुपीज का खर्च होता है। मित्रों, नाउ एंड टुडे पर डे हम 24 किलोमीटर नेशनल हाईवे आज के दिन में बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, उसका उपयोग आपके लिए होगा, आपके लिए होगा मतलब जनता के लिए होगा। उससे एक बड़ा बदलाव देश की इकोनॉमी में भी आएगा, देश का जीवन धारण बदलने में भी उसका एक बड़ा सहयोग मिलेगा। आप सब लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, और इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मोटर व्हीकल एक्ट पास हो जाने से आपकी इंडस्ट्रीज को और एक बल मिलेगा, सेफ्टी पर्पज ऑफ व्यू से भी बहुत सा फायदा होगा, उसका आप उपयोग करके आपकी इंडस्ट्रीज को सुदृढ़ करें। इसी शुभेच्छाएं, धन्यवाद। भारत माता की।